Hello children in this video you will get to know what is grid computing how grid, grid computing works and why is grid computing important सो लेट स्टार्ट विद वट इज ग्रिट कंप्यूटिंग ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है ओके ग्रिड कंप्यूटिंग इज द कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है एक इंफ्रास्ट्रक्चर है एक फाउंडेशन है और यू कैन से एक अंडर लाइन स्ट्रक्चर है डेट कंबाइन कंप्यूटर रिसोर्सिस स्प्रेड ओवर डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन टू अचीव अ कॉमन गोल तो ये क्या है ये एक फाउंडेशन है जो क्या करता है एक कंप्यूटिंग फाउंडेशन है जो कंप्यूटर रिसोर्सेज को क्या करता है कंबाइन करता है और कैसे कंप्यूटर रिसोर्सेस जो अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशंस पर है ओके रिसोर्सेज डेट आर स्प्रेड ओवर डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन टू अचीव अ कॉमन गोल मतलब uh, अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग रीजन्स में अलग अलग लोकेशंस पे uh, क्या है कंप्यूटर्स हैं रिसोर्सेस हैं राइट तो उनको ये क्या करता है ग्रिड कंप्यूटिंग की हेल्प से उनको कंबाइन किया जाता है टू अचीव अ कॉमन गोल मतलब एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए फाइन ऑल अनयूज रिसोर्स ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स आर पूल्ड टूगेदर एंड मेड अवेलेबल फॉर अ सिंगल टास्क तो जितने भी कंप्यूटर्स है राइट डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस पे हैं अलग कंट्रीज में भी हो सकते हैं राइट right? अलग सिटीज में भी हो सकते हैं तो उनके क्या होते हैं उनके जो रिसोर्सेज हैं लाइक उनकी uh, उनका प्रोसेसिंग पावर या उनकी मेमोरी ओके okay, तो उनके जो रिसोर्सेज हैं अन यूज अनयूज रिसोर्सेज जो अभी वर्किंग नहीं है अभी यूज नहीं हो रहे हैं ओके okay, उनको क्या किया जाता है उनको पुल टुगेदर मींस उनको इकट्ठा किया जाता है एंड मेड अवेलेबल और उनका यूज किया जाता है सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा किया जाता है उन ओके okay, और उनको एक सिंगल टास्क करने में यूज़ किया जाता है फाइन ऑर्गेनाइजेशन यूज ग्रिड कंप्यूटिंग टू परफॉर्म लार्ज टास्क जो ऑर्गेनाइजेश्स होती है वो ग्रिड कंप्यूटिंग का यूज करती है किस लिए बड़े बड़े टास्क को करने के लिए बड़े बड़े काम को करने के लिए ओके okay? और सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम डेट आर डिफिकल्ट टू डू ऑन अ सिंगल कंप्यूटर या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जिसको एक सिंगल कंप्यूटर पे करना बहुत ही डिफिकल्ट है फाइन ग्रिड कंप्यूटिंग इज अ ग्रुप ऑफ नेटवर्क कंप्यूटर्स गेटवर्क टुगेदर एज अ वर्चुअल सुपर कंप्यूटर टू परफॉर्म लार्ज टास्क क्या कह रहा है ग्रिड कंप्यूटिंग इज अ ग्रुप ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है ग्रुप है किसका नेटवर्क कंप्यूटर्स जो कंप्यूटर्स एक नेटवर्क में कनेक्टेड है फाइन गेट वर्क टुगेदर और वो कंप्यूटर क्या है एक साथ काम कर रहे हैं एज अ वर्चुअल सुपर कंप्यूटर और वो सारे मिला के कंप्यूटर्स की सारे उनकी मिला के क्या क्रिएट हो रहा है एक वर्चुअल सुपर कंप्यूटर क्रिएट हो रहा है मतलब अगर हंड्रेड कंप्यूटर्स हैं उनको मिला के उनकी पार्ट उनके रिसोर्सेज को मिला के एक हमारे पास एक सुपर कंप्यूटर क्रिएट हो रहा है ओके टू परफॉर्म लार्ज टास्क जो क्या कर रहा है एक बहुत बड़े जो बड़े बड़े टास्क कर रहा है बड़े बड़े काम सच एज एन एनालाइजिंग ह्यूज सेट ऑफ डेटा जैसे बहुत ह्यूज जो डेटा सेट होते हैं उनको एनालाइज करना वेदर मॉडलिंग वेदर मॉडलिंग करना ओके फॉर एग्जाम्पल मीट्यू रोल वो पर्सन होते हैं जो वेदर को स्टडी करते हैं ठीक है मीटियोर वो लोग होते हैं जो वेदर को स्टडी करते हैं फाइन तो वो किसका यूज करते हैं वो ग्रिड कंप्यूटिंग का यूज करते हैं वेदर मॉडलिंग के लिए ठीक है तो वेदर मॉडलिंग क्या होता है वेदर मॉडलिंग आर द कंप्यूटर प्रोग्राम्स वेदर मॉडल्स आर द कंप्यूटर प्रोग्राम्स ओके डेट सॉल्व लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वेश्स जो क्या करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं वेदर मॉडल कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं जो क्या करते हैं uh, बहुत लार्ज नंबर की जो इक्वेश होती है मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इक्वेश होते हैं उनको सॉल्व करते हैं फॉर वेरियस लोकेशन एट बॉथ द सर्फेस एंड डिफरेंट हाइट ऑफ द एटमोसफेयर मतलब सरफेस पर भी वो डेटा लेते हैं उसको एनालाइज करते हैं इक्वेशंस के थ्रू कुछ रिजल्ट निकालते हैं ऐसे ही वो एटमॉस्फेयर की डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स पे जाके इक्वेशंस जो क्रिएट होती है उनको सॉल्व करते हैं ठीक है वेदर मॉडल क्या है कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं ओके दीज इक्वेशन सॉल्व फॉर मेनी पैरामीटर्स और जो इक्वेशन सॉल्व की जाती है वो बहुत सारे पैरामीटर्स के लिए की जाती है लाइक टेम्परेचर को निकालने के लिए ड्यू पॉइंट विंड स्पीड विंड की स्पीड क्या होगी इन सब के लिए फाइन

एंड टाइम कंज्यूमिंग आप एक सिंगल कंप्यूटर पे जितना इतना मैसिव अमाउंट ऑफ जो आपका वेदर का डेटा है उसको क्या कर उसको प्रोसेस नहीं कर सकते ओके डैट वाई मीट्योरोजिस्ट रन द एनाइसिस ओवर ज्योग्राफिकली डिस्पर्स ग्रिड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्बाइंड रिजल्ट तो मीट्योरोजिस्ट क्या करते हैं जो ग्रिड uh, कंप्यूटिंग uh, की हेल्प से जो कंप्यूटर्स uh, अलग अलग जोग्राफिकल uh, रीजन्स में हैं वहाँ से डेटा लेते हैं और उसको एनालाइज करते हैं उससे कुछ रिजल्ट निकालते हैं और उसके रिजल्ट को कंबाइन करके आपको शो करते हैं फाइन तो यहाँ पे देखो एक यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई है इमेजेस हैं। हाउ ग्रेट कंप्यूटिंग कंट्रोल नोड है और यहाँ पे देखो कंप्यूटर्स दिखाए शो हुए हैं जो क्या है एक दूसरे से कनेक्टेड है राइट ओके सो दिस इज ग्रिड कंप्यूटिंग ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है फाइन ये क्या है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर सोर्सेज विच आर स्प्रेड ओवर द डिफरेंट जो जोग्राफिकल लोकेशन फाइन ओके नाउ हियर वी हैव ग्रिड कैन बी ऑफ टू लेकिन कॉमन जो, जो है, है? है वहां पे क्या होता है बहुत ज्यादा लार्ज और जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है ठीक है उसको मैनेज किया जाता है यूज टू मैनेज लार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा हैविंग द रिक्वायर्ड मल्टी यूजर एक्सेस वो डेटा जो बहुत ज्यादा मतलब लार्ज है, ह्यूज है और डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू मतलब, आउट वो क्या है वो डिस्ट्रीब्यूट uh, किया गया है ठीक है और वो डेटा मल्टीपल यूजर एक्सेस करते हैं तो ऐसे डेटा को uh, को मैनेज करने के लिए यहाँ पे डेटा ग्रेड का यूज किया जाता है मतलब जो सेम डेटा है वो मल्टीपल कंप्यूटर्स uh, पे क्या होगा डिवाइड कर दिया जाएगा ओके एंड इट इट विल बी प्रोसेस्ड बाय द मल्टीपल कंप्यूटर्स फाइन सीपी और प्रोसेस ग्रिड वेयर प्रोसेसिंग इज मूव्ड फ्रॉम वन पीसीडेड प्रोसेसर ग्रिड प्रोसेसर ग्रिड में क्या है प्रोसेसिंग मतलब काम जो होता है वो एक कंप्यूटर uh, से दूसरे कंप्यूटर पर सेंड किया जा सकता है एज नीडेड और अ लार्ज टास्क इज डिवाइडेड इनटू सब टास्क या फिर एक बड़े जो बड़ा टास्क है उसको सब टास्क में डिवाइड करके जो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क कंप्यूटर है उनको अलॉट किया जा सकता है ओके एंड अलॉटेड टू वेरियस नो नोट्स फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग और जितने भी कंप्यूटर्स uh, जो नोट्स हैं जो नेटवर्क से कनेक्टेड है वो एक साथ अपने जो सब टास्क है उनको कंप्लीट करके uh, जो कंप्लीट टास्क है उसको कंप्लीट कर सकते हैं फाइन समझ आया डेटा ग्रिड के अंदर क्या है ह्यूज डेटा को मैनेज किया जा रहा है ग्रिड के थ्रू ओके एंड प्रोसेसर ग्रिड के अंदर प्रोसेसिंग पावर को यूज किया जा रहा है जो ग्रिड के अंदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड है हाउ ग्रेड कंप्यूटिंग वर्क अब ग्रेड कंप्यूटिंग काम कैसे करती है ओके तो हियर वी है इज ग्रिड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर डेट इनेबल इन द्रिड अब ग्रिड में पार्टिसिपेशन करने के लिए जितने भी कंप्यूटर्स से कनेक्टेड है ओके वो क्या वो क्या उनके अंदर क्या होता है एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जो उनका पार्टिसिपेशन क्या करते हैं इनेबल करते हैं ग्रिड के अंदर फाइन तो ऑल द कंप्यूटर्स विच आर कनेक्टेड टू द ग्रिड दे हैव टू यूज ग्रिड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर फाइन

तो सबसे पहले तो जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर क्या होना चाहिए ग्रिड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिससे कि वो ग्रिड में कनेक्ट हो सके सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है एक कंट्रोल नोड हो लाइक अ सर्वर जो क्या करे एडमिनिस्ट्रेटिव काम करे पूरा मैनेजमेंट का काम करे ठीक है और एंड स्केड्यूल टास्क और जितने भी नोट्स हैं जितने भी कंप्यूटर्स है ग्रिड में उनको क्या करें काम दे सके ठीक है उनके टास्क को अरेंज कर सके फाइन इन एडिशन अ ग्रिड एनवाइ यूजलवेर टू क्रिएट एंड कंट्रोल द ग्रिड अब जो ग्रिड एनवायरमेंट है वो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ओके okay? जिसको वो यूज करते हैं ग्रिड ग्रिड को बनाने के के लिए और के जितने भी काम है उनको कंट्रोल करने के लिए मिडल वेयर क्या होता है मिडलवेयर इज अ सॉफ्टवेयर क्या है ये एक सॉफ्टवेयर है डेड लाइज बिटवीन एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द एप्लीकेशन रनिंग ऑन इट जो ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन जो हम यूज कर रहे हैं ओके okay? उसके बीच में रन करता है फाइन मिडल इनेबल्स कम्युनिकेशन एंड डेटा मैनेजमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन तो यहाँ पे मिडलवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्या करता है कम्युनिकेशन इनेबल uh, uh, करता है और डेटा मैनेजमेंट करता है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन में तभी तो ग्रिड पॉसिबल है कि मतलब अलग अलग जगह पे जो नोट्स हैं उनके बीच में वो कम्युनिकेशन को इनेबल करता है सारे नोट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो कौन करवाएगा वो मिडल करवाएगा डेटा मैनेजमेंट कौन करवाएगा मिडल करवाएगा ठीक है ओके ओके इन एडिशन अ ग्रेड एनवायरमेंट यूज इस मिडल वेयर टू क्रिएट एंड कंट्रोल द ग्रिड ग्रिड को बनाने के लिए उसको कंट्रोल करने के लिए एज वेल एज मैनेज प्रोसेस अक्रॉस द नोट ठीक है notes, notes के बीच में जो भी काम हो रहा है उसको मैनेज करने के लिए एंड इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशन कंपोनेंट्स और जितने भी जो कंप्यूटर्स हैं ओके वो ग्रिड में जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं ओके okay, उनके बीच में कम्युनिकेशन कौन करवाता है मिडल करवाता है ओके okay? और मिडल क्या है खुद एक सॉफ्ट

जो आपका ग्रिड कंप्यूटिंग नेटवर्क बना है उसको और जो कंट्रोल नोट है जो नोट्स है वो क्या है सिर्फ इसकी इसकी एग्जीक्यूटर्स है मतलब वो जो, वो इसकी बातों को मानते हैं और इसके बताए काम को करते हैं फाइन As a grid computing system should use only unused resources of a computer, it is the job of the control node that any provider is not overloaded with task Okay? तो so grid computing jo system hai usme kya hota hai jo bhi resources se connected hai जो भी computers उसे connected हैं, उसके unused resources का use किया जाता है। मान लो इस time memory के काम use uh, में नहीं है, तो memory को use में ले लिया जाएगा grid computing में। प्रोसेसर अभी खाली है वो कोई काम नहीं कर रहा तो प्रोसेसिंग पार को ले लिया जाएगा ठीक है so, तो इट इज द जॉब ऑफ द द कंट्रोल एनी प्रोवाइडर इज नॉट ओवरलोडेड विद टास्क तो यहाँ पे कंट्रोल नोट क्या देखता है कि जो भी कंप्यूटर जितने भी कंप्यूटर्स ग्रिड में कनेक्टेड uh, है उस, उनके ऊपर ओवरलोड ना आए मतलब किसी एक कंप्यूटर में बहुत ज्यादा काम ना आ जाए ओके सब सबको इक्वली टास्क दिया जाए और अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी राइट जॉब ऑफ द मिडल वेयर इज टू ऑथोराइज एनी प्रोसेस दैट इज बींग एगिक्यूटेड ऑन द नेटवर्क ओके तो यहाँ पे पूरा क्या करता है मिडल वेयर सुप सुपरवाइज करता है जो भी प्रोसेस क्या हो रहा है नेटवर्क के थ्रू एक्जीक्यूट कर रहा है फाइन इन अ ग्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम टू दूसर टू रन एनी थिंग ऑन इट्स कंप्यूटर हैंट फॉर द नेटवर्क ग्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम में क्या है जो प्रोवाइडर uh, कंप्यूटर uh, है वो यूजर्स को दूसरे यूजर्स को क्या करता है परमिशन देता है कि वो उसके कंप्यूटर मतलब उसके uh, उस कंप्यूटर पर कुछ भी रन कर सके ओके okay? हैंस तो ये क्या है सिक्योरिटी थ्रेट भी है ओपन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नेटवर्क कंप्यूटिंग ओके बोइंग एंड ओपन सोर्स ग्रिड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म यूज एक्सटेन्सिवली इन साइंटिफिक रिसर्च तो right? okay? so, यहाँ पे क्या है बोइंग क्या है एक ओपन सोर्स ग्रिड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जो किसके लिए यूज किया जाता है साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज किया जाता है प्रोजेक्ट्स कैन बिल्ड ऑन टू सच एस बोइंग बाय एडिंग यूजर फ्रेंडली जीएस तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स को क्या बनाया जाता है ओके बॉइंग का यूज करके राइट uh, right? और उसके अंदर हम क्या करते हैं यूजर फ्रेंडली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को ऐड करते, तो करते हैं मतलब कंप्यूटर्स को ऐड करते हैं एज वेल एज फंक्शनलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग रॉ डेटा एंड रिसीविंग एंड स्टोरिंग रिजल्ट्स ओके okay, तो यहाँ पे क्या है ये बताया गया एक एग्जाम्पल लिया है हमने बोइंग का बोइंग क्या है मिडल है ओके विच इज़ वर्किंग फॉर साइंटिफिक रिसर्च यहाँ पे हम ओके uh, okay, तो यहाँ पे इसका क्या यूज है इस uh, ये हेल्प करता है प्रोजेक्ट्स बनाने में साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स बनाने में और इसको uh, इसमें हम अप, uh, यूजर फ्रेंडली जी यू यूएस मतलब जो उस, उसके साथ क्या है कंफर्टेबल है ऐसे कंप्यूटर्स को ज्वाइन करके उनकी फंक्शनैलिटी का यूज करते हैं फाइन ओके okay. नाओ द क्वेश्चन इज वाई इज ग्रेड कम्प्यूटिंग इम्पोर्टेंट ग्रेड कंप्यूटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है ऑर्गेनाइजेशन यूज़ ग्रेड कंप्यूटिंग फॉर सेवरल रीजन्स ऑर्गेनाइजेश बहुत सारे रीजन्स की वजह से ग्रिट कम्प्यूटिंग को यूज़ करते हैं इसमें से हमने कुछ रीजन्स यहाँ पर लिए हैं लाइक एफिशियंसी विद ग्रेट कंप्यूटिंग यू कैन ब्रेक डाउन एंड इनॉर्मस कॉम्पलेक्स टास्क इंटू मल्टीपल सब टास्क अगर हमारे पास बहुत बड़ी कॉम्पलेक्स प्रॉब्लम है बहुत बड़ा काम है तो हम उसको क्या कर सकते हैं छोटे छोटे सब टास्क में ठीक है एक बिग टास्क को हम छोटे-छोटे सब टास्क में क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं ओके मल्टीपल कंप्यूटर्स कैन वर्क ऑन द सब टास्क कॉन्करेंटली और जो मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं उस वो क्या कर अपने अप उनको क्या कर दिया जाएगा छोटे-छोटे टास्क दे दिए जाएंगे वो एक साथ कॉन्करेंटली मींस एक साथ उस टास्क को क्या कर,

ओके okay, सारे सोल्यूशन को कंबाइन करके हमारे पास क्या आ जाएगा कंबाइंड रिजल्ट फाइन ओके नेक्स्ट वी हैव द कॉस्ट ग्रिड कंप्यूटिंग वर्क्स विद एग्जिस्टिंग हार्डवेयर व्हिच मींस यू कैन री यूज एग्जिस्टिंग कंप्यूटर्स अब जो भी कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं ग्रिड कंप्यूटिंग में ओके okay, तो उन, उनका हम बार 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 यूज कर सकते हैं ये नहीं है कि एक बार हमने किसी काम के लिए कंप्यूटर्स का यूज किया नाउ वी कैन नॉट यूज देम नो वी कैन यूज देम एज मच एज वी वांट राइट यू कैन सेव कॉस्ट वेल एक्सेसिंग योर एक्सेस कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज यू कैन आल्सो कॉस्ट इफेक्टिवली एक्सेस रिसोर्सेज फ्रॉम द क्लाउड ओके तो यहाँ पे आप क्या यहाँ पे आपकी कॉस्ट सेविंग है क्योंकि आप इनको बार 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 एक्सेस कर सकते हो ओके okay? और इनका यूज कर सकते हो राइट right?

विद द सेम सुपर कम्प्यूटिंग पार्ट अब यहाँ पे देखो इसका कितना बड़ा यूज है कि अलग अलग कंट्रीज में जो रिसर्चर्स हैं वो एक साथ किसी भी आ, 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 रिसर्च पे काम कर सकते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग की हेल्प से फाइन तो बहुत सारे यूजेस हैं ग्रिड कंप्यूटिंग के यहाँ पे मैंने कुछ मेन आपको बता दिए है कॉस्ट एंड फ्लेक्सीबिलिटी राइट okay children now we will meet in next video with next topic of introduction to emerging trends till then keep studying and subscribe my channel for more useful videos